इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो डरकर जंगल में भाग रही थी, लेकिन इसके पैर में चोट लगने की वजह से यह ज्यादा दूर भाग नहीं पाती। तभी हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यह एक म्यूटेंट है और इसके हाथ में एक अजीब सा हथियार भी था। जब यह म्यूटेंट इस लड़की को जान से मारने वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि इसी के जैसा एक दूसरा म्यूटेंट आकर इस म्यूटेंट को जान से मार देता है। और इस म्यूटेंट को जान से मार देने के बाद यह म्यूटेंट इस लड़की को अपने साथ में ले जाता है। और यह सीन यहीं पे कट कर हमें दूसरे सीन में दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसका नाम किला और मेडी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किला दूसरे शहर में जा रही है और किला अपने दोस्त मेडी को भी अपने साथ में चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी मेडी किला से कहती है कि तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा, जिसकी वजह से यह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी किला को मेडी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। किला मेडी से कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी कोई किला के ऊपर में भी हमला कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किला की आंख में किसी तरह की सर्जरी की जाती है और जैसे ही किला को होश आता है तो ये अपने आप को एक ताबूत के अंदर में पाती है जो कि जंगल के बीचों बीच में है। किला किसी तरह से इस ताबूत में से बाहर आ जाती है और अपने दोस्त मेडी को इधर उधर खोजने लगती है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आकर किला को चिल्लाने के लिए मना करती है और इनमें से एक लड़की का नाम एलेक्स है। तभी किला वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब किला को होश आता है तो वह इस लड़की से पूछती है कि तुम्हारी दोस्त गई कहाँ, जिस पर यह बताती है कि जब तुम बेहोश थी तो वह यहाँ से चली गई। तभी इन दोनों को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि एक म्यूटेंट है और यह देखकर ये दोनों ही एक बॉस के पीछे छिप गई थी। लेकिन इस म्यूटेंट को यह एहसास हो जाता है कि जब ये दोनों यहाँ से भागने का सोच ही रहे थे तभी किला फिर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि किला को एक बीमारी थी। और यह देखकर एलेक्स किला को यहीं पर छोड़कर यहाँ से तेजी से भागती है। एलेक्स को भागते हुए देखकर यह म्यूटेंट भी इसके पीछे पड़ जाता है। तभी यह म्यूटेंट अपने कुल्हाड़ी को इसकी ओर फेंकता है, जिसके बाद एलेक्स इस कुल्हाड़ी को उठाकर उस म्यूटेंट पर हमला करती है। लेकिन अब यह म्यूटेंट अपने कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेकर एलेक्स के फेस को बहुत ही बुरी तरीके से काट देता है, जिसके वजह से एलेक्स के यहीं पर मौत हो जाती है। जब किला की आंखें खुलती है और यहां से जा ही रही थी तभी इसकी नज़र एलेक्स की ओर जाती है, जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी। इसके बाद किला अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर की ओर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अजीब सा अलार्म बजने की वजह से यह आगे जा नहीं पाती। तभी किला देखती है कि उसकी ओर एक लड़की बहुत ही तेजी से आ रही है और इस लड़की के ठीक पीछे वही कुल्हाड़ी वाला म्यूटेंट पड़ा था और यह लड़की घायल हो जाती है, जिसकी वजह से यह आगे जा नहीं पाती। लेकिन तभी वहां पर एक और म्यूटेंट आकर इस कुल्हाड़ी वाला म्यूटेंट से फाइट करने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर किला इस लड़की को अपने साथ में लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा म्यूटेंट इस कुल्हाड़ी वाले म्यूटेंट को जान से मार देता है। किला इस लड़की को एक पेड़ के पीछे छिपा देती है। इसके यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाता है और इस लड़की को घसीटकर एक पेड़ के पास में लेकर जाता है और इसके बाद यह इसके दोनों हाथ को इसके शरीर से अलग कर देता है, जिसकी वजह से यह लड़की यहीं पे मारी जाती है। और यह सीन देखने में काफी ज्यादा भयानक है। इसके बाद हम किला को देखते हैं जो वापिस से इस लड़की के पास में आ जाती है और इस लड़की को मरा हुआ देख कर यह बहुत ही ज्यादा दुखी हो गयी थी। इसके बाद किला यहाँ से चलते हुए एक केबिन की ओर चली जाती है और तभी से अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और यह बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देती है। लेकिन देखने पर उसे पता चलता है कि यह एक लड़की थी, उसी की तरह यह एक लड़की थी और इसके बाद यह लड़की यहीं पर मर जाती है। और यहाँ पर दो लड़कियां भी खड़ी हुई थी जिनका नाम कैसी और सीना है। और तभी अचानक से किला फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद किला अपने सपने में देखती है कि उसके दोस्त मैडी को कोई बचा रहा है। जब किला फिर से होश आ जाती है तो किला उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारी दोस्त गई कहाँ और यह बता आती है कि वह मुझे छोड़कर चली गई। कैसी किला से डर रही थी और यह सोचती है कि कहीं किला उसे जान से ना मार दे। और तभी किला उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद किला उससे पूछती है कि तुम्हें एक ऑपरेशन के बारे में याद है कि जो हमारे आंखें के साथ में हुआ था, और यह लड़की कहती है कि हाँ। और इसके बाद किला इस लड़की की आंख निकाल कर बाहर देखती है और इसी से इन दोनों को पता चल जाता है कि ऑपरेशन करके इनकी आँख के पीछे एक ऐसी डिवाइस लगा दी गई है जिसकी मदद से जिसने हमें यहाँ पर भेजा वही हमें सुन भी सकता है और देख भी सकता है। इसके बाद वहाँ पर सैली आ जाती है, जिसके बाद किला इसे भी इसके बारे में सब कुछ बता देती है। तभी इनकी नज़र एक म्यूटेंट पर जाती है और यह देखकर ये तीन
तीनों ही डर जाते हैं। इसके बाद यह म्यूटेंट कैबिन के अंदर में आकर कैसी का शक्ल देखने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां इस म्यूटेंट पर हमला करके इसे यहां से भगा देती है। और अब ये दोनों ही सोचते हैं कि यह म्यूटेंट कैसी का शक्ल क्यों देख रहा था। तभी केला समझ जाती है कि इस जंगल में म्यूटेंट और इंसान को छोड़ दिया गया है, यानी कि हर एक लड़की के साथ में उसका एक साथी म्यूटेंट है। और जब कोई म्यूटेंट लड़की को जान से मार देता है तो उसका साथी म्यूटेंट भी अपने आप मर जाता है। और तभी इसके सामने सीना कहती है कि अगर मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी तो तुम्हारा म्यूटेंट भी अपने आप मर जाएगा। और ये सुनते ही केला और कैसे डर जाते हैं और यहाँ से भाग कर दूसरे केबिन में चले जाते हैं। यहाँ पर कैसी अभी भी केला से डर रही थी। इसके बाद केला उसे समझाती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, और यह इसे बताती है कि मैं अपने दोस्त मैडी को खोज रही हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी कैसी का पैर एक जगह पर फंस जाता है। तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट आकर कैसी को अंदर खींच लेता है और यह म्यूटेंट फिर से इसका शक्ल देखने की कोशिश करता है, जिसके बाद कैसी किसी तरह से इसके एक हाथ को काट देती है। और केला कैसी के पास में आकर इस म्यूटेंट का सामना करती है और ये दोनों कर इसे अंत में जान से मार देते हैं। इसके बाद हमें सीना को दिखाया जाता है जो मेडी तक जाने के लिए रास्ता को देख रही थी, और सीना उसे बताती है कि अब बस चार लोग बचे हैं जिनमें से मेरा एक म्यूटेंट है, और अगर मैं मेडी को जान से मार दूंगी तो उसका साथी म्यूटेंट भी मारा जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैसी के ऊपर में एक म्यूटेंट हमला कर दिया था और यह म्यूटेंट किसी और का नहीं बल्कि सीना का था। लेकिन तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि किला का म्यूटेंट सीना को जान से मार देता है, जिसकी वजह कैसे की जान बच जाती है और सेना का म्यूटेंट भी मारा जाता है। तभी हम किला को देखते हैं जो अपने ही म्यूटेंट को जान से मार देती है। इसके बाद ये दोनों मैडी को बचाने के लिए उसकी ओर चले जाते हैं और किला मैडी को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। किला को मैडी के साथ में देखकर कैसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी इन तीनों को मैडी का म्यूटेंट दिखाई देता है। मैडी के म्यूटेंट को देख कर किला फिर से बेहोश हो जाती है, और जब किला बेहोश हो जाती है तभी कैसी एक चाकू को उठा कर मैडी को जान से मार देती है, जिसकी वजह से उसका म्यूटेंट भी मारा जाता है। और जब किला की आंखें खुलती है तो वह अपनी दोस्त मैडी को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, और यह कैसी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद किला अकेले ही बॉर्डर पर जाकर वहाँ पर बज रहे अलार्म को तोड़ देती है और अपने आँख में लगे हुए डिवाइस को बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो यह सब कुछ देख रहा था, और तभी से ऐसा लगता है कि कोई इसके घर में है। और जब ये चेक करने के लिए जाता है तभी अचानक से वहाँ पर किला आकर शॉक देने वाली मशीन से इसे बेहोश कर देती है। और जब इस आदमी को होश आता है तो किला इससे पूछती है कि इस गेम को देखने के लिए तुम्हें किसने दिया। पहले तो यह आदमी कुछ भी नहीं बताता, लेकिन किला के धमकाने पर यह उसे सब कुछ बता देता है कि यह गेम उसे एक माइकल नाम के बंदे ने दिया है। और इसके बाद किला इस आदमी की आँख को बाहर निकाल देती है, और इसी के साथ ये कहानी यही पे खत्म हो जाती है।